Hello friends, welcome to my Ace Aero Study channel. Today we are going to discuss about the topic, can we touch the sun? The objectives of the Parker Solar Probes are as, पहला है कि Parker Solar Probe को ट्रेस करनी थी फ्लो ऑफ एनर्जी को जो हीट और एक्सलरेट करती थी सोलर कोरोना और सोलर विंड को। दूसरा था इसका कि जो डिटरमाइन करना था स्ट्रक्चर और डायनेमिक ऑफ द प्लाज्मा, जो कि हमने पहले ही बात की थी प्लाज्मा क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं और कि उसका सोर्स क्या है, मतलब कि डिटरमाइन करनी थी उसको स्ट्रक्चर और द डायनेमिक्स कि ये जो इसका सोर्स क्या है सोलर विंड का, ठीक है। द थर्ड वन इज़ कि एक्सप्लोर करना था मैकेनिज़म जो एक्सलरेट और ट्रांसपोर्ट करता था उसके एनर्जेटिक पार्टिकल्स को, ठीक है। और भी बहुत से इसके ऑब्जेक्टिव थे बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज दिस वन। सो लेट्स हैव अ लुक दैट हाउ Parker Solar Probe कैन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। अब Parker Solar Probe को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 5 मेजर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ी थी। पहला है फील्ड्स, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन्वेस्टिगेशन। ये एक फील्ड्स एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि Parker Solar Probe पे लगाया गया है, जिसका काम है सन की मैग्नेटिक फील्ड्स को मेज़र करना। इसका जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं वो स्टॉट बेले हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट जो लगाया गया है Parker Solar Probe पे वो है ISOIS, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड साइंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सन, इसके नाम से हम जानते हैं। और जो O आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट में कि O के बीच में डॉट है, तो जो O है वो पूरा सन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम है कि टू स्टडी द सन, ऑब्वियस सी बात है या सभी जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टडी करने के लिए बनाए हैं सन को, बट द मेन फोकस इज़ ऑन द एनर्जेटिक पार्टिकल फ्रॉम द सन, ओके, दैट जो ऑब्टेन हो रहे हैं उसमें से, जिसमें से जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और आयंस। तो इस मिशन के जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे वो थे डेविड मैककॉमस, दे बिलोंग फ्रॉम द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। नाउ द थर्ड वन इज द विस्पर। विस्पर हियर इज द वाइट फील्ड इमेजर फॉर सोलर प्रोब। ये भी एक इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि Parker Solar Probe पे लगाया जा चुका है या लगाया गया था, अब बोले तो लगाया गया था, ठीक है, जिसका मेन टारगेट होता है कि ये जो लाइट जो निकल रही हैं कोरोना से, जैसे हो गई सोलर विंड शॉक्स, सोलर इजेक्टर, वो सब निकलने उसकी जो इमेजेस हैं उसको ऑब्टेन करना होता है। तो इसके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे वो रसल हॉवर्ड हैं फ्रॉम द नावल रिसर्च लेबोरेटरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्वीप, दैट इज़ द सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स अल्फास एंड प्रोटॉन्स। इस इन्वेस्टिगेशन में ये काउंट करते थे द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम्स आयन और मेजर करते थे द प्रॉपर्टी जैसे कि वेलोसिटी, डेंसिटी और टेम्परेचर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे उसके थे जस्टिन कैस्पर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द मिचिगन एंड द स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज द हेलियो SPP, दैट इज़ द हेलियोस्फेरिक ओरिजिन विद सोलर प्रोब प्लस। इसमें इसका जो मेन काम थ्योरी और मॉडलिंग इन्वेस्टिगेशन की, जिससे कि जो इसका मैक्सिमाइज कर पाएँ साइंटिफिक रिटर्न इस मिशन से। तो इनके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे वो थे Marco Valli, जो कि से बिलोंग करते थे UCLA और जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से। नाउ लेट्स गेट टू नो अबाउट दैट हाउ Parker Solar Probe will study the sun, as there are many instruments which are attached with this. The first one is the in situ instrument and the second type is the remote sensing instruments. Let's see here the following instruments which are attached to this spacecraft RS. Now the first one is EPD, that is energetic particle detector. Ye instrument un sabhi energetic particles ko detect या फिर आप बोले मेज़र करता है जो इसी स्पेसक्राफ्ट से पास हो रहे हैं, ओके। दूसरा है मैग्नेटोमीटर, जिसको MAG से रिप्रेजेंट किया गया है, यू कैन सी इन दिस फिगर। ये जो मैग्नेटोमीटर है मेज़र करता है मैग्नेटिक फील्ड्स और हमें बताता है कि कैसे और क्यों
ये जो सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे लिंक है सोलर सिस्टम से और कैसे समय के साथ बदलती है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज़ द RPW, दैट इज़ द रेडियो एंड प्लाज्मा वेव। तो जो RPW है वो मेज़र करती है वेरिएशंस बिटवीन द मैग्नेटिक एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ देयर सेंसर्स एंड देयर एंटीनास। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज़ द SWA, दैट इज़ द सोलर विंड प्लाज्मा एनालाइजर। SWA जो सोलर विंड प्लाज्मा एनालाइजर है मेज़र करता है द चेंजेस बिटवीन द सोलर विंड्स प्रॉपर्टी, जैसे कि डेंसिटी हो गई, वेलोसिटी हो गई, टेम्परेचर में कैसे बदलाव हो रहे हैं और क्या कंपोजिशन है सोलर विंड का, ये सोलर विंड एनालाइजर अपने आप में मेज़र करता है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ द रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। इन दिस देयर इज़ एन EUI, दैट इज़ एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट इमेजर, जहाँ पर EUI जो है वो इमेज लेता है सोलर क्रोमोस्फियर, उसके ट्रांजिशन रीजन्स, जैसे कि हमने टैकोलैन की बात की थी, वहाँ पर और भी बहुत से उसके अंदर जो ट्रांजिशन रीजन हैं जो कुछ कुछ विजिबल हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, कुछ कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं होते, ये भी हमने चीज़ देखी थी, और उसके कोरोना में। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज मैटिस, दैट इज़ द क्रोनाग्राफ। तो जो मैटिस है वो साइमल्टेनियसली बहुत सी इन द सेंस कि नंबर ऑफ इमेजेस ये क्लिक करता है ऑफ द कोरोना एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल एज वेल एज द अल्ट्रा वायलेट वेव लेंथ। इट इज़ हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड गेट टू नो मोर अबाउट द कोरोना। सो द नेक्स्ट वन इज PHI, दैट इज़ पोलरीमेट्रिक एंड हेलियोसिस्मिक इमेजर। दिस इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्स द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द फोटोस्फीयर एंड इट विल प्लॉट अगेंस्ट द ब्राइटनेस एज वेल एज द वेलोसिटी सो दैट द हेलियोसिस्मिक इन्वेस्टिगेशन कैन टेक्स प्लेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सोलो हाई, दैट इज हेलियोस्फेरिक इमेजर। सोलो हाई विल कैप्चर दोज लाइट विच आर स्कैटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इन द सोलर विंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पाइस, दैट इज द स्पेक्ट्रल इमेजिंग ऑफ द कोरोनल एनवायरनमेंट। इट विल हेल्प टू रिवील द प्रॉपर्टी ऑफ द सोलर ट्रांजिशन रीजन एंड कोरोना। इसके लिए इसको मेजर करना होता है जो उसकी वेवलेंथ है जो ऑब्टेन हो रही है कहाँ से, प्लाज्मा से। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टिक्स, दैट इज STIX, दैट इज एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और यू कैन से टेलीस्कोप। हियर दिस इंस्ट्रूमेंट्स विल डिटेक्ट द एक्सरे विच आर एमिटेड फ्रॉम द सन। इट मे बी हॉट प्लाज्मा और इन द फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर्स। सो वी आर नॉट गोइंग इन मच डिटेल अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, सो लेट्स फर्दर मूव ऑन। ओके, नाउ दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर पार्कर सोलर प्रोब ऑर्बिटर। आई होप दिस इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी क्लियरली विजिबल।